अभी आलिया अपने फैंस से लाइव चैट करके आई हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आलिया? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. पहली बार अपेरेंटली वर्ल्ड में ये एक टू सिटी मल्टी सिटी गूगल हैंग आउट चैट किया था हमने. तो हम लोग दिल्ली में और बॉम्बे में, देयर वर टू सेटअप्स, मेबेलिन न्यूयॉर्क का दो सेटअप था और मैं मुंबई के गूगल ऑफिस में थी, और वहाँ से हम लोग कनेक्ट कर रहे थे विद द पीपल एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. किस तरह के क्वेश्चंस आए फैंस के आपके लिए? मोस्टली क्योंकि आई थिंक मेबेलिन न्यूयॉर्क इज अ कॉस्मेटिक ब्रांड, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए कि आलिया आप अपने फेस को, स्किन को मेंटेन कैसे करते हो, व्हाट इज योर डाइट, व्हाट इज योर फिटनेस रिजीम, दिस दैट. तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस थे. एंड देयर वर आल्सो सम क्वेश्चंस, यू नो, एक लड़की ने कहा कि प्लीज अपनी फिल्म का एक डायलॉग बोल दीजिए. अच्छा. और फिर ये कर दीजिए, आपको वरुण और सिद्धार्थ में कौन सा ज्यादा पसंद है, जो रिपोर्टर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उन्होंने वो भी पूछ लिया. तो ये रिपोर्टर टाइप आंसर क्या था, एक्टर टाइप वाला आंसर क्या था? सच्ची और ऑनेस्ट आंसर ये था कि हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से कैसे चूज कर सकते हैं. तो वरुण और सिद्धार्थ मेरे लेफ्ट और राइट हैंड के जैसे हैं. हमने सुना आपसे ब्यूटी टिप्स बहुत लिए गए, फैंस ने अलग अलग टिप्स मांगे नेल पॉलिश के लिए अलग, वो क्या था और कितना इंटरेस्टिंग क्या किया? वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो किया था हमारा, एक कलर शो रेंज है विच हैज़ 48 डिफरेंट शेड्स ऑफ नेल पॉलिश. तो हमने एक इंटरेस्टिंग क्वर्की चीज़ किया. आई पिक्ड आउट अ कपल ऑफ पीपल फ्रॉम द ऑडियंस और मैंने उनसे पूछा कि ओके व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी. तो एक लड़की से आई, वेरी स्वीट, मैं एक टिपिकल पंजाबी हूँ, फन, वाइब्रेंट, एक्साइटिंग. तो ऐसा ठीक है, मेरे लिए मैं आपके लिए एक नेल आर्ट करती हूँ अपनी नेल पे. तो ये हमने एक नेल आर्ट किया. मैंने एक न्यूड नेल पॉलिश पहना था और वी जस्ट पुट पिंक ऑन टॉप ऑफ इट टू मेक इट नेल आर्ट. क्योंकि आई फील लाइक नेल आर्ट जब लोग भूल गए करना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. आप आउटफिट के साथ इतना इंटरेस्टिंग नेल आर्ट कर सकते हो. सो वी डिड अ कपल ऑफ थिंग्स लाइक दैट. एक लड़की डीजे निकली और थोड़ी, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी एजी लड़की, तो मैंने कुछ एजी नेल पॉलिश कर लिया. मैं ये वाला फिंगर नहीं दिखाऊंगी, बट ऐसे एजी नेल पॉलिश कर लिया. तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. किसी ने आपसे गाना गाने के लिए कहा या नहीं? हाँ, गाना मैं, मेरा तबीयत अभी खराब है, बट आई सैंग द बेबी लिप्स किस सॉन्ग. अच्छा. जो मैंने, विच वॉज माई द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड फॉर मेबेलिन. तबीयत तो क्या हो गया, बारिश का असर है या आलिया बहुत थक चुकी हैं, बहुत काम है? नहीं, मैं इतना ज़्यादा थक नहीं चुकी हूँ. आई डोंट नो, ये वेदर में मेरी मम्मी को भी, आपको भी हुआ है जुकाम, मम्मी को भी हुआ था, मतलब तबीयत खराब थी उसकी. आई थिंक इट्स इन द एयर, तो सब लोग खराब बीमार हो रहे. तो मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, बट आई वॉज सो एक्साइटेड टू डू दिस सिटी टू मल्टी सिटी हैंग आउट, क्योंकि ऐसे रोज़ रोज़ नहीं होता है. इट्स वंस इन अ यू नो ब्लू मून थिंग. अरे, कभी कभी हमने देखा है कि जब लाइव चैट होता है फैंस के साथ तो बहुत वियर्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ऐसा कुछ आपने फेस किया? अभी तक तो नहीं, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. हमने कभी कभी बार जब प्रमोशंस करते तो लोग कहते आलिया गिव मी अ किस, आलिया से हाय, इट्स ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव. और जो भी क्वेश्चंस, लाइक एक जो दो छोटे लड़के आ गए थे, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम शादी कब कर रहे हो. अच्छा. ऐसे तुम्हें क्यों बताया, आई शुड टेल यू व्हेन आई एम गेटिंग मैरिड, मैं क्यों बताऊं अभी, कैसे अभी शादी की उम्र थोड़ी, आई एम ओनली 21. ऑब्वियसली वो हंसने लग गए. अच्छा, हमने जो खबरें आई थी ये भी थी कि आप और अर्जुन कपूर मोस्ट सर्च्ड हैं वेबसाइट्स पे. बड़ा था कहीं, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू. ट्रू है? हाँ, हमने भी तो वही सुना. जली, तो आप क्या 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 कहना है इस बारे में? बहुत ही खुश हूँ, अगर मोस्ट सर्च्ड हूँ तो अच्छा होगा ना. आई डोंट नो, इट्स अ नाइस थिंग आई एम गेसिंग. ओके. और हम्प्टी शर्मा लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत दिन हो गए अब तो रिलीज के लिए, अब तक कैसे रिएक्शंस आए और क्या आप सेटिस्फाई हैं इस फिल्म करने से? मैं बहुत ही खुश हूँ हम्प्टी के रिएक्शन के साथ, क्योंकि पहले तो रीज़न एस्पेशली क्योंकि इज़ द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर शशांक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, एंड फॉर हिम अभी इट्स ऑलमोस्ट 70 crores इन 2 weeks. तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है. सो आई एम वेरी हैप्पी और लोगों को फिल्म पसंद आई, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एक चीज़ जो हमने आपसे बहुत पहले भी बात किया था कि आपका फेवरेट एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे, और आपने हमेशा एक नाम लिया है रणवीर कपूर, और आई थिंक अब वो सच हो चुका है. जी जी हाँ, मैं रणबीर के साथ आयन की नेक्स्ट फिल्म कर रही हूँ. किस तरह की फिल्म होगी, कुछ क्लू देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं आई थिंक मैं वो क्लू देना और फिल्म के बारे में बात करना मैं आयन और करण पे छोड़ दूंगी. मैं बस यही खुश हूँ कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ, बस आई स्टे मम. ओके. अच्छा आलिया, फ्रेंडशिप डे आ रहा है, कितना बिलीव करती हैं और कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में या आउट ऑफ? अब फ्रेंडशिप ऑब्वियसली आई थिंक प्यार का, दोस्ती, रिलेशनशिप्स, इट्स ऑल द पहला स्टेप होता है फ्रेंडशिप. सो फ्रेंडशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरे हैं बहुत ही खास दोस्त है, बट मैं एक बहुत ही पर्सनल और क्लोज इंसान हूँ, तो मेरे इतने सारे क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, आई थिंक 5 to 6 क्लोज फ्रेंड्स, दैट्स इट. एक आखिरी सवाल, आजकल लोग बहुत टीम खरीद रहे हैं, स्पेशली कबड्डी के लिए. सुना है कबड्डी का टीम खेल रहे हैं. हाँ, खरीद रहे हैं. अगर आपको कैप्टन बनाया जाता है किसी कबड्डी टीम का, तो आपकी टीम में कौन कौन होगा, किस तरह से हैंडल करेंगे?
कबड्डी टीम और मैं हैंडल करूँगी. मुझे आई डोंट थिंक कबड्डी का के भी आता है. मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हेन कम्स टू दैट. तो मैं आई थिंक वो सोनाक्षी सिन्हा से मैं टिप्स ले लूँगी क्योंकि उन्होंने अभी खरीदा है कबड्डी टीम आई हियर. मैं उनसे टिप्स लेके खरीदी. बट ऐसी इनिशिएटिव का आप क्या मानती है? एक अच्छा नहीं, आई थिंक इट्स वेरी गुड. इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड स्पोर्ट हमारी कंट्री का. और मैंने सुना है कि जब आप एक स्पोर्ट देखोगे तो आप भूल जाओगे सारे अदर स्पोर्ट क्योंकि इतना इंटेंस होता है, इतना डिफिकल्ट होता है. तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द लीग. चलिए जाते जाते एक फैंस के लिए बारिश वाला टिप्स हो जाए, किस तरह से मेकअप करना चाहिए. और बारिश वाला जैसे आपने मेरी ब्लू ब्लू आईलाइनर अभी देखा है, सो आई थिंक यू शुड गो एंड यूज दैट क्योंकि मानसून का महीना में आप एक ही कलर आता है वो है ब्लू. तो गो डू द ब्लू. एंड क्लोथिंग किस तरह से अपना ड्रेसअप वगैरह, क्योंकि बारिश थोड़ा बहुत तंग करता है, खराब. हाँ, पर मैं एक्चुअली मैं ये सीरियसली नहीं लेती हूँ कि मैंने लंबा ड्रेस पहना है आज. आई डोंट टेक द तंग सीरियसली. बट मैं ये कहूँगी कि अम्ब्रेला पकड़ो तो आपका जो कपड़ा है वो खराब नहीं होगा. चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. तो ये थे आलिया जिन्होंने आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए स्पेशली बारिश के मौसम के लिए. कैमरामैन प्रमोद के साथ चेतना सिंह, जूम मुंबई.